सात गरे सिटी में सभी का वेलकम है। मैं आपको एक बार फिर से न्यू वीडियो लेके आया हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुल सीता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा। देश आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है और बड़े धूमधाम के साथ आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो मनाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश से आह्वान किया था कि ये जो आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है ये हम पूरे देशवासी मिल करके बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आइए जानते हैं आज़ादी का इतिहास, आज़ादी कैसे मिली, कब मिली। 15 अगस्त दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी के पीछे किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, किन लोगों ने अपना घरों बार तन मन धन सब कुर्बान कर दिया, आइए जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज़ादी के ऊपर, जिसमें आपको पै दर पे हर एक हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को इरशाद गरी सिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। आइए जानते हैं आज़ादी हमें कैसे मिली। दोस्तों, हर वर्ष 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौर गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लोगों ने काफी हद तक हिंसात्मक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसात्मक दंगे भड़क गए और प्राचीन हिंसा कोई अनेक घटनाएं हुई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। यह संख्या करीब 1,45,00,000 थी। भारत की जनसंख्या 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इस दिन को झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजन के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। भारतीय इसी दिन अपने पोशाक, सामान, घर और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर इस उत्सव को मनाते हैं और परिवार व दोस्तों के साथ देशभक्ति फिल्म देखते हैं। आइए जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास। यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना आरंभ कर दिया था। अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के अंत तक स्थानीय राज्यों को अपना वशीभूत करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1558 के अनुसार भारत पर सीधा अधिपत्य ब्रितानी ताज, ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटेन की राजशाही का हो गया। दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे धीरे अपना विकास किया और इसके परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय ब्रिटानी सुधारों के काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें मोंटेगू जेम्स फोर्ड सुधार गिना जाता है, लेकिन इसे भी रोलेट एक्ट के तहत दबाने वाले अधिनियम के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण स्वरूप भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आह्वान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन की शुरुआत हो गई। 1930 के दशक के दौरान ब्रिटानी कानूनों के में धीरे धीरे सुधार जारी रहे।
परिणामी चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अगला दशक काफी राजनीतिक उथल पुथल वाला रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता, कांग्रेस द्वारा असहयोग का अंतिम फैसला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम राष्ट्रवाद का उदय 1947 में स्वतंत्रता के समय तक राजनीतिक बढ़ता गया। उपमहाद्वीप के आंदोलन का अंत भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हुआ। स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों बता दें कि 1929 लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्व स्वतंत्र स्वराज घोषणा की और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। कांग्रेस ने भारत के लोगों से सविनय अवज्ञा करने के लिए समय प्रतिज्ञा करने और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त तक समय समय पर जारी किए गए कांग्रेस के निर्देशकों का पालन करने के लिए कहा। इस तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईंधन झोंकने के लिए किया गया। वो स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए भी किया गया। कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया है। ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उद्देश्य के बिना शांतिपूर्ण व गंभीर होती थी। गांधी जी ने कहा कि बैठकों के अलावा इस दिन को कुछ रचनात्मक काम करने में खर्च किया जाए, जैसे कताई, कातना व या हिंदू और मुसलमानों का पुनर्मिलन या निषेध काम या अछूत की सेवा। 1947 में वास्तविक आज़ादी के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। तब के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता दिवस का इतिहास तो बहुत बड़ा है। हमारा सीरीज अभी पै दर पे आता रहेगा। हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला कहानी आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों आखिर में बताते चलें कि आप हमारा चैनल इरशाद गरी सिटी देखना न भूलें। नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।